मैं असी डीजीपी साहब और मैं 12:22 ते इत्थे जिहड़ा ब्लास्ट होया बाथरूम दे विच सैकंड फ्लोर ते 12:22 ते ब्लास्ट होया सैकंड फ्लोर दे वाशरूम दे विच उहदे च एक आदमी दी डैथ हो गई है। चार जिहड़े ने इंजर्ड ने उहनां च एक एडवोकेट ने, एक साडा पुलिस दा कोई नैप कोट और दो लेडीज़ ने। जिहड़ा नैप कोट आ उह सी एम सी च आ, एडवोकेट जिहड़े ने मंड साहब वह डी एम सी ने, दूसरी जिहड़ियां दो लेडीज़ ने वह सिविल हॉस्पिटल दे विच दाखल ने। सारे जिहड़े ने एक डैथ तो अलावा बाकी जिहड़े ने वह नॉर्मल ने और स्टेबल ने, उन्हां दा भी मैं पता लैण लई जा रहा हुणे। इहदे च जे इस वेले मैं जिहड़ा इन्हां ने कीता इहदे च अजे कुछ नहीं कहा जा सकदा क्योंकि सारा कुछ कॉर्डन कीता। साडी जिहड़ी फोरेंसिक जिहड़ी हैगी टीम आ उह इत्थे पहुँच गई आ, उह भी कर रहे ने, चंडीगढ़ों भी चले ने, और जिहड़े कोई पुराने जिहड़े कोई साडे कोल रिटायर्ड फोरेंसिक वाले ने उहनां नूं भी असीं क्या कि तुसीं भी आ के देखो कि इहदे च की चीज़ां हैगियां ने और किवें ब्लास्ट होया, इहदे च किहड़ा जिहड़ा एक्सप्लोसिव आ जिहड़ा किहड़ा इहदे च वरत्या गया। दूसरी जिहड़ी चीज़ है कि जिहड़ा इन्हां ने कहा कि इन्हां दे विच अपनी जिहड़ी स्टेट आ ये बॉर्डर स्टेट आ, ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जो जिहड़ी कोई बाहरलियां फोर्सिज ने उन्हां दा भी ये कारा हो सकता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि पंजाब जिहड़ा स्टेबल रहे, और जे पंजाब स्टेबल हुंदा ते पूरा हिंदुस्तान स्टेबल है। इस अनस्टेबल करन दी कोशिशां कीतियां जाणगियां। असीं जिहड़ी आ इहनूं हाई अलर्ट ते पंजाब अज कीता, पहलां भी कीता सी, बॉर्डर ते वैसे ही साडा हाई अलर्ट रहिंदा ते पूरे पंजाब च हाई अलर्ट कीता। जिहड़ियां कोर्ट्स ने जां डीसी ऑफिस ने जां जिहड़ियां मेजर पब्लिक दियां जिथे ज़्यादा लोग आउंदे ने उत्थे जिहड़ी कि सिक्योरिटी वधाई जाएगी। और नाल ही जिहड़ी साडी सब तो वड्डी प्रॉब्लम है जिहड़ी हुण असीं बैठे हुण फिर मीटिंग करन जा रहे हैं, सब तो वड्डी प्रॉब्लम है कि जिन्ने धरने ने साडी फोर्स सारी उत्थे पहुँच जाती है, तो इन चीज़ों से उन्हां नूं मैं अपील करदा कि पंजाब की बेहतरी लई पंजाब की सिक्योरिटी लई उन्होंने थोड़ा जिहा संजम चो काम लेना चाहिए और जिहड़ी पंजाब पुलिस है उन्हें इस पास लाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तुहानू यही कहा कि चुनाव जिहड़े आ रहे हैं इसलिए मैं बाहरली फोर्सिज दी गल की है कि पंजाब नू अनस्टेबल करन दी ये कोशिशां कीतियां जा रही। तुसीं देखिया होगा कि टेररिज्म के टाइम च भी उन्होंने कोर्टां नू पहला बड़ा निशाना बनाया सी और वो ये चाहते ने कि जुडिशरी नू शायद असी डरा के, पर बिल्कुल साडी जिहड़ी जुडिशरी कदी उन्हां ते मन च डर नहीं, ये चीज़ां असी बिल्कुल जिहड़ी उन्हां नू नहीं। बिल्कुल बहुत वड्डा चैलेंज है, कुछ किलो 22 किलोमीटर से सी एम साहब की रैली सी, और तो पहला 3 बजे उन्होंने उत्थे पहुँचना सी, 12:30 साढ़े 12:30 ये ब्लास्ट होना सी। साबका मुख्यमंत्री पहले जता चुके हैं पंजाब च इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, टीफर बम हैगे ने जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब में टीफर बम। मैं बिल्कुल ये इन्हां नूं इहदा मतलब कि उन्हां नाल सलाह करके आए ने, वे जिहड़े उन्हां दे असीं वी जिहड़े मॉड्यूल फड़े ने सानूं ही पता उन्हां दे टाइम ते 4 साल तो ये चीज़ां जिहड़ियां चलदियां रहियां ने और वो चीज़ों अगे जे उस टाइम तो ही बड़ा स्ट्रिक्टली असी ये एक्शन किया हों तो अज तक सूँ ये चीज़ें नहीं पहुँचनी चाहिए। लीडर जेडे अपोजिशन जी आने काम है अटैक करना सरकार का, डी जी पी साहब मेरे नाल खड़े ने, जिस वे सूँ पता लगा इमीजिएटली मैं पटियाले से पटियाले तो इन्हों लैके सी एम साहब भी इतने पहुँच रहे हैं, सी एम भी इतने पहुँच रहे हैं। किसी चीज़ में रूल आउट नहीं किया जा सकता, तो कल तक सारा कुछ पता चल जाएगा जो जांच हो जाएगी उत्थे जी डेड बॉडी पई है कर। मैं आई बी नहीं, साढ़े पंजाब पुलिस पहले ही अलर्ट सी, आई बी तो पहला असी ज़्यादा अलर्ट सी, सानू पता देखो जो तो ब्लास्ट हों टीम सारिया एजेंसीज ए आदियां ने। थैंक यू, अजय मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें कह दिना कि ये कोई किसी दस गया सी बिल्कुल साड़ी पूरी प्लानिंग है और डी जी पी साहब जी ने पूरे हूँ शाम को साड़ी 7:30 बजे साड़ी लॉ एंड ऑर्डर से चीफ मिनिस्टर साहब मैं और सारी पुलिस उ चंडीगढ़।